आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है एक ऐसा वैस्कुलर बंडल जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट में है इस पिक्चर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चार ऑप्शंस हैं जिनमें से अगर हम ध्यान दें तो एक नन ऑफ दीज भी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं गिवन है ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता, आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डायग्राम को देखते हुए हमें इन तीनों के तीनों ऑप्शंस में से एक आंसर सेलेक्ट करना है, और अगर इन तीनों में से ऑप्शन नहीं है तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नाउ पहला स्टेटमेंट कहता है कि फिगर रिप्रेजेंट्स रेडियल वैस्कुलर बंडल इन विच जाइलम एंड फ्लोएम अकर इन फॉर्म ऑफ सेपरेट बंडल्स। ठीक है, तो ये सही है, यहाँ पे रेडियली अरेंज्ड है हमारे जाइलम फ्लोएम बंडल्स और ये सेपरेट बंडल्स हैं, एक साथ इकट्ठे नहीं है ना। जाइलम बंडल्स एंड फ्लोएम बंडल्स अकर ऑन डिफरेंट रेडियाई, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ से अगर हम सेंटर से डिस्टेंस देखें तो जाइलम बंडल की भी उतनी ही होगी और फ्लोएम बंडल की भी उतनी होगी, सो दे आर ऑन द सेम रेडियाई, डिफरेंट नहीं, सेम। अगर हम देखें यहाँ पे तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीव्स, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक होती है रूट्स की, क्योंकि लीव्स में तो हमारे पास एम्बेडेड होता है और बंडल शीट सेल से सराउंडेड होता है। ठीक है, तो ये सराउंड होता है बंडल शीट से। अब ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट की, तो वी हैव अ आंसर। तो हमारा आंसर नन ऑफ दीज नहीं है, क्योंकि नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। हमारा आंसर नन ऑफ दीज नहीं है, हमारा आंसर इस केस में बन जाता है आंसर सी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लीव्स लिखा था बट आंसर है रूट, तो ये आंसर हो गया आंसर सी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।